अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए और आप अपने घरों में खुश आबाद रहें। आज हम साग बनाएंगे। साग बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन साग को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें सबसे पहले साग चाहिए और साग जो है वो 2.5 पाउंड के करीब साग है। साग को हम पहले अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसको खुश कर लेंगे। इसके लिए हमें 1/2 पाउंड पालक चाहिए, जो एक गट्ठी बनती है। एक ही गट्ठी हमें फ्रेश मेथी चाहिए। पूरा बंच हमें धनिए का चाहिए और धनिए के साथ इसका टेस्ट और बहुत मज़े का हो जाता है। और हमें 1/2 मूली चाहिए, 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको क्रश कर लें। हमें 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट चाहिए। लहसुन की तुरियां चाहिए 15 से 20। सुरख मिर्च चाहिए हमें 1.5 टेबल स्पून। मिर्चें आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हल्दी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी हल्दी शामिल कर सकते हैं। जीरा चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें नमक 1.5 टेबल स्पून डाला है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालिएगा। इसमें मकई का आटा 2 टेबल स्पून जाएगा। दरमियाने साइज़ का प्याज 1 अदद। ये गंदलों का साग है, इसको हम गंदलों समेत ही काटेंगे, क्योंकि साग हमेशा गंदलों के साथ ही मज़े का बनता है। साग हमने सारा अच्छे से काट लिया है। एक जो 1/2 मूली थी उसके भी स्लाइसेस कर लिए हैं। आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को हांडी में डालेंगे। अब हम हांडी में तरतीब से सारी चीज़ें डालते जाएंगे। मैंने पहले थोड़ा साग डाला है, फिर मैंने मूलियाँ डाल दी, और इसके बाद मैं फिर थोड़ा साग डाल दूँगी, और फिर मैं लहसुन की जो 9-10 तुरियाँ हैं वो डाल दूँगी, फिर इसके बाद साग डालूँगी, और ये मेरी फ्रीज़ की हुई अदरक है जो मैंने डाल दी है। इसी तरह ऊपर नीचे सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे। अब मेथी डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें क्रश करके डाल देंगे। इसको मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है और सारा साग आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है। अब मैं इसमें पालक डालूँगी और ज़रा थोड़ा सा दबा कर डालूँगी ताकि वो बाकी सारी चीज़ें भी नीचे हो जाएं। अब हम इसमें नमक और सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 15 मिनट के बाद सारा साग जो है वो नीचे बैठ गया है। जब साग पानी छोड़ दे और वो नीचे बैठ जाए तो हम इसमें 1/2 गट्ठी धनिए की भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 4 से 5 घंटे तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। मेरे पास चूँकि घोटना नहीं था तो मैंने इसको हाथ के चॉपर से चॉप कर लिया। इसके बाद मैं इसको इस चम्मच के साथ और साथ साथ मैं चम्मच के साथ इसको घोटती रही। मज़ीद 10 से 15 मिनट घोटने के बाद अब इसमें मैं देसी घी शामिल करूंगी, जिससे ये और भी इसकी रंगत निखर कर के सामने आएगी। फिर इसको अच्छे से मैं और जितना भी घोट सकते हैं आप हम इसको घोटेंगे। और अब हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मक्की का आटा डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। मक्की का आटा डालने के बाद ये और मुलायम हो जाएगा। अब इसमें 1/2 से ज़्यादा गट्ठी धनिए की शामिल कर दें और मिक्स करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए और पकाएं।
साग तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसको भगार लगाने की तैयारी करेंगे। तड़का लगाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून देसी घी चाहिए। आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 8 से 9 साबुत सुरख मिर्चें शामिल करेंगे और जब ये मिर्चें कड़कने लगें, गर्म हो जाएं, तो इसमें से सारी मिर्चों को हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसके साथ हम ऑयल भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में चॉप किया हुआ प्याज हम फ्राई करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करके उसको भी फ्राई करेंगे। 1 बादियान का फूल भी इसमें शामिल करेंगे और साथ ही छोटी ग्रीन सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून दर्दड़ी मिर्च यानी क्रश चिल्ली शामिल करके इसको अच्छे से 30 सेकेंड तक भूनेंगे और इस बघार को यानी इस तड़के को हम साग में शामिल कर देंगे और इसको फौरन ऊपर से कवर कर देंगे। ये आपका साग बिल्कुल तैयार है और ये इतना मज़े का बना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया है और वही चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जो मैंने शामिल की हैं। अब मैं इसको एक छोटी हांडी में सर्व करूंगी और एक बॉल में भी सर्व करूंगी और जो सुरख मिर्चें हमने फ्राई करके साइड पे निकालनी थी और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लिया था, अब उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे और गरम मसाला भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। आपके अच्छे कमेंट्स देने से और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला भी बढ़ता है और अच्छी सी चीज़ बनाने को फिर दिल भी चाहता है। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत के साथ अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबका हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़।